आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो होगा ही, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर आए खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के एमएमबली स्थित टीएमसी हॉस्पिटल में, और आपको बता दें कि हाजी जो जा रहे हैं हज करने के लिए उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उनके स्वास्थ्य का वो यहाँ पर दिया जा रहा है। किस तरह से डॉक्टरों की टीम अरेंज की जा रही है, शमीम भाई और डॉक्टर मुताब शाह और तमाम लोग यहाँ पर, टीएमसी के भी डॉक्टर हैं, जफर भाई हैं, शोएब भाई हैं और जावेद भाई हैं, नेहा नाइक हैं और टीएमसी के भी डॉक्टर हैं यहाँ पर। और बात करेंगे सबसे पहले हम जो है मुमताज भाई से, क्या बताना चाहेंगे आप कि किस तरह से जो है डॉक्टरों की टीम यहाँ से जाने वाली है, क्या क्या सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है उनको किस तरह से हेल्थ का वो और बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैं इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन शमीम खान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट हर साल कोशिश रहती है कि जो हज पे जाने वाले लोग हैं, आज थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हमारा एरिया है वहाँ से 487 हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, 486। सबसे पहले तो तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला उनके तुफेल में हमारी ट्रस्ट को, हमारे साथियों को, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे डॉक्टर्स हों, सबको जो है अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करें, उनकी दुआओं में हमें भी याद करें, हमें भी उसका फ़ायदा मिले। आज खासकर मुमरा कोसा थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जिसे कलवा है थाना है वहाँ, तो मुमरा कोसा से जाने वाले हाजियों की तादाद ज़्यादा है, उसके लिए शमीम भाई को हमारे इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट को मुबारकबाद है कि जब भी हाजी जाते हैं हम उनके लिए फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करते हैं। आज सबसे बड़ी बात होती है कि जो शिवाजी हॉस्पिटल से जो डॉक्टर्स की पूरी एक 20 लोगों की टीम है उनको जाने आने का अरेंजमेंट जो है हमने किया है, इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट ने किया है, उनके जो टीम है उनको खाने के लिए अरेंजमेंट किया है। और ख़ासकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये स्टेडियम के अंदर ही अगल बगल में जो है हकीम अजमल जो हॉस्पिटल है इसके अंदर जो है फैसिलिटीज़ है, आज हमारी पूरी टीम यहाँ आई हुई है। और बाकी सारी बातें मैं बार बार इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट और शमीम भाई इस काम के लिए एक्टिव रहते हैं, इसके लिए पूरी टीम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बाकी चीज़ें शमीम भाई यहाँ मौजूद हैं, कॉरपोरेशन के यहाँ डॉक्टर हैं, डॉक्टर शर्मीन मैडम हैं, ये जो डॉक्टर साहब हैं, हमारी जो है वर्षा मैडम जो है थाना से स्पेशल आई हुई हैं, उसी के लिए जो है देखने के लिए पूरा अरेंजमेंट किस तरीके से, तो आप उनसे बात करते हैं और पूछ सकते हैं। मैं डॉक्टर वर्षा ससानी थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हूँ, आरसीएच ऑफिसर और वैक्सीनेशन ऑफिसर। हमें यहाँ पे हज यात्रियों का एक लिस्ट हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, जैसे आरसीएच महाराष्ट्र का एक ग्रुप रहता है उसमें ऑफिशियली हमें हज यात्रियों की लिस्ट जो थाना कॉरपोरेशन के अंडर है उनकी मिली हुई है। उस हिसाब से हमने एमएम वैली में यहाँ पे एक वैक्सीनेशन सेंटर अरेंज किया है, जो आज से ही हम लोगों ने अरेंज किया है, और आज लगभग 2 जन आए थे जो इंक्वायरी के लिए, तो उनको हम लोगों ने वैक्सीनेट किया है। तो हमें जब तक ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी, वैसे हम रोज़ 50 लोगों का वैक्सीनेशन करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी वैक्सीनेशन है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, निमोकोकल है, ओरल पोलियो, वो सारी वैक्सीनेशन की अरेंजमेंट की है। कलवा हॉस्पिटल से हमारी पहले एग्जामिनेशन टीम अरेंज है और फिर उनका जैसे होगा वैसे उसी वैक्सीनेशन उसी दिन सेम करेंगे, पर डे 50 लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ होगा। थैंक यू। कलवा में भी चालू है और यहाँ पे एक कलवा सेंटर में भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है, सेंटर चालू है तो वहाँ पे भी चालू हो जाएगा, लेकिन एमएम वाली का आज चालू हुआ है, ये तो मेरे सामने ही वैक्सीनेट हुए हैं। थैंक यू। मैडम से दो शब्द दे दीजिए, डॉक्टर शर्मिन डिंगा। मेरा नाम डॉक्टर शर्मिन डिंगा है। हम लोग हज के लिए जैसे हर पहले साल भी किए थे अरेंजमेंट, वैसे हमने शमीम भाई से थोड़ी हेल्प लेके और खुद वैक्सीन्स सब जो भी हज यात्रा है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाकी का तो डिटेल डॉक्टर वर्षा मैडम ने बता दिया है तो बताने की और ज़रूरत नहीं है। देखिए ये हकीम अजमल दवाखाना है यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के बिल्कुल बगल में, एमएम वैली पर। हर साल की तरह हर पिछली साल भी हम लोगों ने हाजियों के लिए जो भी सुविधा लगती है शमीम खान साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उस काम को किया था, और इस साल भी अभी हाजियों की जो लिस्ट आई है 486 उसमें ये माथा, क्योंकि ये थाने महानगर पालिका के अंदर गढ़ आता है, इसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अब मुमरा कोसा के लोगों को
आपको अगर यहाँ से जाना रहता था तो शिवाजी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इसकी इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो क्यों नहीं हम यहाँ के लोगों को यहीं फैसिलिटी दें, तो उसका जो टीका वगैरह लगता है और जो भी उसके सारे हाजियों के लिए जो भी फैसिलिटीज लगती है वो हमारी इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जो टीम है शमीम खान साहब ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हेल्थ कार्ड है, ये कार्ड जो बुक आती है ये बुक शमीम खान साहब ने इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से अपने निजी पैसे से उन्होंने इसको बनवाया है। दूसरी बात यह है कि हाजियों के लिए उन्होंने अम्ब्रेले का इंतज़ाम किया और जो डॉक्टर वहाँ से 20 लोगों की टीम जो शिवाजी हॉस्पिटल से यहाँ आएगी उसके लिए यहाँ से उनको लेकर के जाने के लिए और यहाँ से उनको छोड़ने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, गाड़ी का इंतज़ाम किया, ताकि यहाँ के शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिनके जिनके फैमिली के लोग हज पर जाना चाहते हैं वो लोग हकीम अजमल दवाखाना में यहाँ सुबह, टाइमिंग क्या है मैडम? 10 बजे से 2 बजे तक एवरीडे 50 हाजियों का यहाँ टीका वगैरह दिया जाएगा, आप लोग यहाँ आकर के उसका फ़ायदा उठाएं। शमीम भाई, आपके तरफ से ये हेल्थ कार्ड वगैरह छपाया गया है तो हाजियों के स्वास्थ्य फिटनेस के लिए दिया जाएगा और कुछ छाते वगैरह का भी बंदोबस्त आपके तरफ से किया गया? मैं सबसे पहले तमाम देश और दुनिया से और ख़ास करके मुमरा थाने से जितने भी हाजी साहब लोग हज पे जाने वाले हैं, मैं उन्हें अपनी जानिब से, अपने इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से, अपने दोस्तों की जानिब से मैं तमाम हाजी साहब लोगों को पहली बात तो मुबारकबाद पेश करता हूं और आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि आप वहां पे जा करके हम सब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना कि जल्द अल्लाह ताला नसीब अता फरमाए कि हम सब लोग भी उस खाने काबा का दीदार करें और हज पर हम लोग भी जाएँ, ऐसा हम आपसे अपील करते हैं। रही बात फैसिलिटीज़ की, तो मैं मैडम सबसे पहले आप तमाम डॉक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके मैं डॉक्टर शारमिन डिंगा का शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हज का कोई भी तरबियती कैंप लगता है, हज के रिलेटेड जब भी कोई भी ऐसे प्रोग्राम्स की बात होती है तो मैडम मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म करती हैं, डॉक्टर मुमताज़ शाह इन्फॉर्म करते हैं कि भाई अपने को इस तरीके का प्रोग्राम, अभी जैसे कि टीकाकरण का मामला था तो मुझे शहर से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, जावेद भाई बहुत सारे लोगों को कॉल आया कि शमीम भाई हम यहाँ से कलवा जाएंगे, हम यहाँ से थाने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जाने में परेशानियाँ होती है, हमारा अगर हेल्थ कार्ड हमको टीकाकरण यहीं मिल जाए तो हमको थाना जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसके लिए मैं सबसे पहले आयुक्त महोदय का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे जो कमिश्नर साहब हैं कि सर आपने ये फैसिलिटीज़ हम सब की मांग पे खास करके आपने हमारे शहर के लिए आज हम लोग जो स्टेडियम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके हम लोगों को दिया है, उसके लिए डॉक्टर साहब आपका और हमारे कमिश्नर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम डॉक्टर्स जो कलवा से आते हैं इस्लामुद्दीन भाई उन तमाम डॉक्टर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों के लिए डॉक्टर शारमिन डिंगा ने हमको बताया था कि सर यहाँ से एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ चाहिए उनको आने जाने के लिए, डॉक्टर्स को यानी ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, तो देखिए एक बस तो हमने चालू करा दिया है मैडम। मैडम मैं खुद TMD मेम्बर भी हूँ और इसलिए मैंने एक बस चालू कराया है आपके सामने ही हॉस्पिटल के, मैंने वहाँ पे बस स्टॉप भी लगाया है, राइट मैडम, उसका उद्घाटन भी आप तमाम लोगों ने किया था, तो इस तरीके से हमने वो भी चालू करा दिया है और बस आने जाने की एम्बुलेंस की दे दिया फैसिलिटीज़, तो तमाम डॉक्टर्स हैं उनको सब कुछ खाने वाने का जो भी मैडम ने कहा, हम लोग जो भी डॉक्टर्स हमारे शहर में आएंगे वो हमारे मेहमान हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी पूरी खिदमत करें, ये हमारा अखलाकी फरीज़ा हमको यही सिखाता है। उसके अलावा मैडम ने बताया हेल्थ कार्ड के ताल्लुक से तो 486 हाजी साहब लोगों ने थाने महानगर पालिका अंतर्गत में उन लोगों ने फॉर्म भरा है, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप तमाम हाजी साहब लोग आएँ आकर के आप लोग हॉस्पिटल के अंदर जो कौसा स्टेडियम के बाजू में जो अपना हॉस्पिटल है डॉक्टर हकीम अजमल हॉस्पिटल में आकर के आप लोग यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर में 2 बजे तक, मैंने मैडम से कहा कि थोड़ा मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी कभी क्या होता है मैडम 2 बजे का वक्त नमाज का होता है तो थोड़ा सा उसमें एक आध घंटा डिले हो जाता है, तो थोड़ा सा उतना कोऑपरेट कीजिएगा मैडम कि 10 से लेकर आप 3 बजे तक उसको थोड़ा संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से अम्ब्रेला है हमारे हाजी साहब लोग जो हज पे जा रहे हैं उन तमाम हाजी साहब लोगों के लिए, ये खोलिए जाओ भाई शुभ भाई, ये अम्ब्रेला मैडम वहाँ पे बहुत धूप रहती है तो उन हाजी साहब लोगों के लिए 486 अम्ब्रेला हम इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट से देने का एज ए प्रेसिडेंट मैं ऐलान करता हूँ और 486 अम्ब्रेला इंशाल्लाह ताला ये तमाम हाजी साहब लोगों को, देखिए हमारे बीच एक हाजी साहब आ गए गुड्डू खालू आ गए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये गुड्डू खालू
को ये पहले दिया जाए, वो ऊपर से सही कीजिए। टोटल ये 486 अम्ब्रेला है गुड्डू खालू, ये आप तमाम हाजी साहब लोगों के लिए वहाँ पे चले आइए आप, ये आपका गिफ्ट आपके हवाले है, ये हाँ ये हर हाजियों के लिए है। टोटल कितने हाजी हैं आप लोग यहाँ पे? मैडम के पास है ना पूरा? आप हम लोग छः छः बेटा, छः लागे अम्ब्रेला दो गुड्डू खालू के पास, लाओ फरहान ला करके दो भी। तो इस तरीके से छः अम्ब्रेला दो मोइन के दो, अच्छा मोइन के दो हैं, दो अम्मी हैं उनके यहाँ, तो दो टोटल आठ अम्ब्रेला उनको भी दे दो। मैं 486 अम्ब्रेला डॉक्टर शारमिन डिंगा के हवाले करता हूँ मैडम, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ डॉक्टर शारमिन डिंगा यहाँ पे काम करती हैं। मैं अपनी पूरी टीम की जानिब से मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि फिर एक बार कि आप लोग इसको देखिए, अभी ये आज आपके माध्यम से मैसेज जाएगा पूरे शहर में, कल उर्दू प्रिंट मीडिया के अंदर आएगा, मेरे ख्याल से अनवर सहारा भी नज़दीक में ही होंगे, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं, आपको कलवा जाने की ज़रूरत नहीं, और अगर उसके बाद भी कहीं पे कोई तकलीफ़ हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9833111110। मैं शमीम खान आपका खादिम बन करके आपको यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक पहुँचाने का पूरा काम करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।